हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ मेकअप अपना रिमूव करने का, मेकअप उतारने का, जो बहुत ही सिंपल है, इजी है और आपको ज्यादा पैसे खर्च भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, तो वो चीज है नारियल का तेल। नारियल के तेल से भी आप लोग अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही इजी तरीका है अपना मेकअप रिमूव करने का नारियल के तेल से। और कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि देखो, मैं कैजुअली आपसे कहूंगी, मतलब मैं बहुत ही फ्रैंक होकर आपसे कहूंगी कि कई बार होता है कि हमारा जो है मेकअप रिमूवर खत्म हो जाता है और फिनिश हो जाता है और हमारे पास मेकअप रिमूव करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो अगर आपके घर में नारियल का तेल है, आपके पास नारियल का तेल अवेलेबल है, तो आप उससे भी मेकअप रिमूव कर सकते हैं। और उससे एक फायदा क्या होता है, नारियल के तेल के फायदे तो आपको पता ही है कितने सारे होते हैं। तो उससे ये भी होता है कि मैं मेकअप करने के बाद जब मेकअप उतारते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही ड्राई लगती है, वो ड्राई हो जाती है। तो लेकिन जब अगर हम नारियल के तेल से मेकअप उतारेंगे तो हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, हमें ड्राई फील नहीं होगा और इनफैक्ट हमें एक मसाज भी मिल जाती है और स्किन पे जो नारियल का तेल है उसका असर भी रह जाता है, जिससे कि हमारे दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और ड्राइनेस नहीं रहती है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, कई लेडीज ऐसी होती हैं और कई लड़कियां भी, मतलब जो मेकअप रात को रिमूव करके नहीं सोती हैं बिकॉज कहीं थक जाती हैं, ऑफिस से आती हैं, या लेडीज भी घर के काम करके थक जाती हैं, हाउस वाइफ भी, वो भी सीधे बस उनको सोने के लगी रहती है, वो बिना मेकअप रिमूव किए अपने फेस पे से सीधे जाके सो जाती हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेकअप, अगर आप मेकअप मुंह पे लेकर रात को सोएंगे तो वो आपको डबल आपकी स्किन को डैमेज करेगा और आपकी स्किन को और खराब करेगा। आपको झुर्रियां पड़ सकती हैं, आपको मतलब काफी सारे नुकसान आपको मेकअप रात को लगा रहने देने से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपकी स्किन को। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज अपना मेकअप अच्छे से रिमूव करके, फेस वॉश होता है जो, उससे फेस वॉश करके, मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव करके अच्छे से तभी सोएं जब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो। आप चाहे तो नाइट क्रीम जरूर लगा सकते हैं रात को, लेकिन आप कोई भी मेकअप क्रीम, सिंगल मेकअप क्रीम, बीबी क्रीम कोई भी फेस पर रहने ना दें, बिल्कुल सारा आईज पे से, फेस पे से, लिप्स पे से सारा मेकअप रिमूव कर सोए तो ही आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे नारियल का तेल। आप किसी भी प्राइस में, छोटी बड़ी डब्बी कोई भी नारियल के तेल की ले सकते हैं। और फिर आपको चाहिए एक वेट क्लीन टिश्यू पेपर और एक ड्राई टिश्यू पेपर। तो अब मैं नारियल तेल अपने हाथों में लेकर और इसे अपने हाथों में रगड़ के अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके अच्छे से मसाज कर लूँगी, बिकॉज तभी हमारा जो फाउंडेशन है और पूरा मेकअप है तभी निकलेगा जब आप अच्छे से मसाज करोगे तेल लगाकर। और इसे कोई पिघलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे फेस में ही, हमारी बॉडी में ही इतनी गर्मी होती है कि जब हम तेल अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो वो एकदम पिघल जाता है। तो गर्दन के ऊपर भी अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि गर्दन पे भी हमने फाउंडेशन लगाया होता है और वहाँ से भी मेकअप उतारना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दोनों का ही दिखा दूँगी कि दोनों कैसे वर्क करते हैं। आप ड्राई से भी पूरा मेकअप उतर जाता है, ये देखिए, ये ड्राई टिश्यू पेपर है, इससे पूरा मेकअप उतर जाता है और वेट से भी उतर जाता है। तो पहले मैं आपको ड्राई दिखा रही हूँ, ये ड्राई टिश्यू पेपर है, ये देखिए पूरा मेकअप फाउंडेशन जो है मेरा सारा निकल गया है इसमें। और अब मैं वेट ले लेती हूँ, और ये वेट टिश्यू पेपर है, और इससे मैं अच्छी तरह से अपना पूरा फेस का फाउंडेशन निकाल लूँगी। इससे भी मेरा पूरा फाउंडेशन निकल जाएगा। आप कोई भी, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेट या ड्राई। ये देखिए ये वेट टिश्यू पेपर, इसमें भी कितना आया है। आप कोई सा भी टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने उसी वेट टिश्यू पेपर से अपना सारा जो रह गया था वो क्लीन कर लिया था फाउंडेशन। अब मैं अपनी आईज़ के ऊपर का मेकअप उतार रही हूँ। आईज़ के ऊपर भी आप नारियल का तेल अच्छे से लगा कर, क्योंकि जो लाइनर होते हैं कहीं वाटरप्रूफ, वो निकलते नहीं हैं। देखिए ये स्ट्रे, क्योंकि लाइनर है मेरा, निकल ही नहीं रहा था। मुझे दो बार नारियल का तेल लगा के फिर निकालना पड़ा।
ये देखिए मैंने सेकंड टाइम फिर से लगाया यहाँ, बिकॉज ये आईलाइनर इतना अच्छा है स्टे क्विकी का, ये निकलता नहीं आसानी से, वाटरप्रूफ तो है ही, तेल से भी बहुत मुश्किल से निकलता है, तो मैंने दो बार लगा के फिर क्लीन किया तब जाकर ये साफ़ हुआ मेरी आईज़ के ऊपर से। और अब मैं अपने लिप्स के ऊपर जो लिपस्टिक लगी है उसे भी उतार रही हूँ, और ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, ये भी आसानी से निकलती नहीं है, इसे भी मैंने दो बार नारियल का तेल लगाकर तब साफ किया था। ये बेला वॉर्डसे की लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होती हैं, आसानी से उतरती नहीं है, पूरा दिन रहती हैं आपके लिप्स पर। इस तरह से आपको अपना पूरा मेकअप जो है अच्छे से उतार लेना है, बिकॉज मेकअप लगाकर आप सो नहीं सकते हो। अब इसके बाद आप अपने फेवरेट फेस वॉश जो भी आपका आपके पास हो उसे अपने फेस को वॉश कर लीजिए, और आपका पूरा मेकअप क्लीन हो गया है, तो आप नाइट में अपनी कोई भी नाइट क्रीम लगाकर अब सो सकते हैं। अब आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी नारियल का तेल यूज़ करने से, और सॉफ्ट हो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से अपना सारा मेकअप नारियल के तेल से उतार लिया, कैसे क्लीन हो जाता है, कैसे रिमूव हो जाता है नारियल के तेल से आपका पूरा मेकअप कितनी आसानी से, और कोई ड्राइनेस भी नहीं रहती आपके फेस पर। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मेकअप रिमूवर की ही ज़रूरत पड़े मेकअप रिमूव करने के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और नारियल के तेल के कितने सारे फ़ायदे भी होते हैं आप लोग ये भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेहतर तरीका है, बेहतर एक सबसे अच्छा ये हैक है कि आप अपने जिससे आप अपने मेकअप को आसानी से रिमूव कर सकते हैं बिना किसी मेकअप रिमूवर के। तो ये था आज का वीडियो, तो हम आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।